ये तो आगे वाला काट देंगे वीडियो, इससे दिक्कत नहीं है। ठीक है देना, देखो आज से 12th वाला हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान देना मत देना। हाँ, क्वेश्चन आंसर और कॉन्सेप्ट आज यहीं से 12th स्टार्ट होगा। चैप्टर नंबर 29 से ही प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगा। ठीक है ना, तो आज ही हम जो है यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर पाएंगे। समझ में आ रहा बात कि नहीं आ रहा? तो आज क्या पढ़ना है हम लोग को, आज का कॉन्सेप्ट क्या है भाई? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्या है कॉन्सेप्ट? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बहुत आसान सा चैप्टर है भैया, चैप्टर है, बस फलिप को 5 मिनट टाइम दीजिए, समझ में आ जाएगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, और बहुत आसान है, थोड़ा सा लिखते हैं, बस दो को चीज़ आपको पता होना चाहिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या तुरंत बन जाएगा, समझ में आ रहा है? तो चलिए सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। चलो भैया अब ध्यान से समझो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। कंडीशनल से नहीं पता चल रहा कि कुछ ना कुछ कंडीशन है क्या होता, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे आपको दो चीज से अगर यदि आप सेटिंग कर लिए तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपका कितना चीज से? दो चीज से। सबसे पहला कौन सा जी? तो याद रखिएगा अंजलि भाभी, और दूसरा याद रखिएगा बबली जी। अभी गाना याद नहीं रख लिएगा, हम बबली बोला था नहीं, बस दो को याद रखिएगा, अपना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कंप्लीट, समझ रहे क्या हो जाएगा कंप्लीट। अब कैसे होगा ध्यान से समझना, मान के चलो देखो यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भैया ये तुम हो, ठीक, और यहाँ रह रही है अंजलि भाभी, यहाँ कौन है? अंजलि भाभी, और यहाँ कौन है? बबली। समझ रहे बात को? हमको सेटिंग किससे करना है? बबली से। किससे? बबली से। अगर सेटिंग करना है तो सबसे पहले किससे सेटिंग होना चाहिए? अंजलि से, भाभी है, तभी जाके इससे सेटिंग हो पाएगा, डायरेक्ट जाइएगा तो मुँह कान भसक जाएगा, समझ रहे बात को? तो कंडीशन क्या ध्यान से समझो, हम बोल रहे हैं यहाँ है, यहाँ से यहाँ जाना के लिए मान के चलो मैं यहाँ हूँ, ठीक है, ये मेरा फ्लैट है, यहाँ पे मैं बोलूँ कि अंजलि भाभी से सेटिंग हो जाए, उसका प्रोबेबिलिटी अंजलि भाभी से सेटिंग हो जाए, ध्यान से समझो, अंजलि भाभी से सेटिंग हो जाए उसका प्रोबेबिलिटी कितना है? तो हम लिख देते हैं 1/2। अंजलि भाभी से सेटिंग हो जाए उसका प्रोबेबिलिटी कितना जी? 1/2। अब देखो कंडीशनल ध्यान से समझना, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अंजलि भाभी से सेटिंग हो जाए उसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/2 यानी 1/2। अंजलि भाभी से सेटिंग होने के बाद बबली का सेटिंग होने का चांस या प्रोबेबिलिटी, ध्यान से सुनो, बबली से सेटिंग होने का प्रोबेबिलिटी, बबली से तभी सेटिंग होगा जब कब किससे हो सबसे पहले? अंजलि से। तो ध्यान से सुनो, बबली जी से सेटिंग तभी होगा जब किससे हो जाए पहले, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3। समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे? कंडीशन क्या है कि अंजलि से जब तक सेटिंग नहीं होगा तब तक बबली नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो यार, डायरेक्ट बबली से आपको सेटिंग नहीं करवाना, डायरेक्ट बबली से नहीं, अंजलि भाभी से सेटिंग होगी, अंजलि भाभी से सेटिंग होगी उसके बाद बबली से सेटिंग होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/3। समझ में आ रहा है? अब ये 2/1 का मतलब है क्या, ध्यान से समझना, बड़ा गौर से समझना जी, मैं इधर ध्यान से समझ जाता हूँ। ये जो एक होता है बी और एक हम लिखे यहाँ 2/2, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? दोनों में बी का मतलब होता है अकरेंस ऑफ इवेंट बी। क्या होता है? अकरेंस ऑफ इवेंट बी, अकरेंस ऑफ इवेंट बी, बी का अकरेंस करना, ठीक है, घटना बी का अकरेंस होना, ये क्या होगा? सिर्फ बी होगा।
बी बटा ए का मतलब पता है क्या होता है सर? अकरेंस ऑफ इवेंट बी कब? तो यहाँ वेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। ध्यान से समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या हुआ बी बटा ए का मतलब? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी अकरेंस ऑफ बी, लेकिन कब? जब ए ऑलरेडी हो चुका है। बबली जी सेटिंग होगा कब? जब ए ऑलरेडी फंस चुका है। समझ रहे बात को कि नहीं समझ? यही होता है बी मतलब ए का मतलब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? ये अपना क्या कहलाता है जी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रहा है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब एक काम होने के बाद दूसरा काम होगा उसका चांस बताना हो तो क्या लगाना है? क्या लगाना है जी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रहा है? एक काम हो चुका है दूसरा होगा उसका प्रोबेबिलिटी अगर निकालना हो तो कौन सा? अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अंजलि भाभी फंस चुकी है, अंजलि भाभी का काम ऑलरेडी हो चुका है, इसके बाद बबली जी का होगा, उसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? क्या कोई दिक्कत? ये तो हो गया मेन छोटी छोटी बातें जो आपको पता चल गया कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। अब इसको बनाना कैसे ध्यान से समझिएगा। ऐसे थोड़ी कि हम यहाँ पे सेटिंग करते रहें क्वेश्चन एन बनेगा तब, है कि नहीं? अब इसको बनाना कैसे ध्यान से समझिएगा। इसको मिटाते बस कि क्या को याद रखना, अंजलि भाभी और बबली, कंडीशन क्या हो गया जी? कंप्लीट बन जाएगा आराम से। बस खाली किसको किसको याद रखना है? अब यहाँ पे ध्यान से समझो। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अगर सॉल्व करना है तो हम किस तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करेंगे? नहीं तो अंजलि भाभी बबली चक्कर में रहिएगा तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं बन पाएगा, है कि नहीं? तो इसको सॉल्व कैसे करना ध्यान से सुन लो। अब यहाँ पे बात करते हैं हाउ टू सॉल्व। सर कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे ध्यान से समझना। तो सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जब क्वेश्चन रहेगा लंबा लंबा, तो सबसे पहले कंडीशन क्या कैसे पता चलेगा यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाना है, वो भी बड़ा बात होता है। तो क्या लैंग्वेज रहेगा ध्यान से सोचो। सबसे पहला बात क्या सर? गुरुजी कौन सा लैंग्वेज रहेगा सवाल के अंदर? तो सवाल के अंदर आपको दिखेगा गिवेन दैट, क्या दिखेगा? या फिर क्या दिखेगा? प्रोवाइडेड। क्या दिखेगा? प्रोवाइडेड, ठीक है, समझ रहा है? तीसरा क्या दिखेगा आपका? तीसरा दिखेगा ऑलरेडी, ध्यान से सुनो, क्या दिखेगा? ऑलरेडी अकर्ड दिखेगा, ठीक है। तीसरा में क्या दिखेगा? कंडीशन दिखेगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोल भी देगा कभी कभी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताओ। तो वो सारा चीज तो यहाँ पे सवाल में अगर आप पढ़ें तो ये सारा बात दिया हो, अन्यथा अगर ये चीज नहीं दिया हो तो सवाल पढ़ने के बाद कौन सी फील हो जाना चाहिए, क्या फील होना चाहिए ध्यान से सुनो, कि कोई काम कोई पार्टिकुलर, ध्यान से समझना, कोई पार्टिकुलर काम हो चुका है, ध्यान से समझना। जब सवाल पढ़ोगे इंग्लिश में तो समझ में आ जाएगा कि कोई पार्टिकुलर काम हो चुका है, उसके बाद दूसरे काम का प्रोबेबिलिटी, दूसरे काम की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे। तो ये सवाल पढ़ने के बाद फील हो जाए, या फिर क्या फील हो जाए? गिवेन दैट दिया हो, प्रोवाइडेड ऑलरेडी अकर, या फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हो, तो ये तो बात हुआ लैंग्वेज का। ऐसा फील हो जाना चाहिए आपको कि एक काम हो चुका है, दूसरा काम होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, मैंने एक काम ऑलरेडी हो चुका है, दूसरे काम का प्रोबेबिलिटी पूछे तो क्या लगाना है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये तो लैंग्वेज हो गया। समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे? अब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, ध्यान से समझना बात को बड़ा गौर से जी। देखिए इधर, अब यहाँ पे हम ये बोलना चाह रहे हैं आपसे, ये तो हो गया बात ये लैंग्वेज का कि सवाल के अंदर लैंग्वेज ये देखने को आपको मिलेगा। समझ में आ रहा भाई? ये सवाल दिखेगा। दूसरा ध्यान से सुनो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या गो फार्मूला? दो गो
दो को फार्मूला पढ़ लिए, पूरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फार्मूला नंबर एक ध्यान से सुनो, अगर हम लिख देते हैं पी ए बटा बी, इसका मतलब क्या हुआ कि बी का काम ऑलरेडी, ए का होने का प्रोबेबिलिटी। तो फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, और जो निचुआ में उसी को लिख दो पी बी। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा फार्मूला क्या होता है इसका, अगर लिख देते हैं हम बी बटा ए, इसका अर्थ क्या हुआ कि बी का काम ऑलरेडी अंजलि भाभी का निपटा गया है, बबली का पूछ रहा है, तो पी, समझ रहे हैं, बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय पी ए या फिर ए बी, समझ रहे हैं मत को, बस ये दो फार्मूला पता होना चाहिए। बट फार्मूला का यूज हम बाद में देखेंगे, पहले जो हम सवाल पढ़ाएं उसका फील ले लेते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। ध्यान से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब बात को बड़ा गौर से समझना, दो फार्मूला तो यहाँ पे क्लियर हो गया। तीसरा, अब अगर हम लिख देते हैं कभी ए बटा बी, इसका मतलब क्या हुआ, बी का क्या है, बी का काम हो चुका, हो चुका है, ठीक है, बी का काम हो चुका है, ए का होने का प्रोबेबिलिटी, होने का चांस लिख देते हैं या फिर प्रोबेबिलिटी। बात समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, बी ए बटा बी का मतलब काम हो चुका है, जो नीचे में रहता है उसका काम ए का पूछ रहा है, इसका मतलब ये समझ में आना चाहिए आपको। दूसरा नंबर, अगर आपको सॉल्व करना है इसको तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, अगर ए बटा बी लिखा हुआ है तो सवाल बनाने के लिए जो बी का काम हो चुका है ऑलरेडी, बी को हम क्या मानेंगे, बी को, बी यहाँ पे जो काम हो चुका है, बी का होगा, बी जो है, बी सैंपल स्पेस होगा, बी क्या होगा, इस सवाल बनाने के लिए बी क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस, क्या हो जाएगा जी, सैंपल स्पेस, तब ए का फेवरेबल, नीचे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, ये बटा बी दिख रहा था, ठीक है। तो देखो, जब a बटा b करना हो तो यहाँ पे b अब क्या होगा, सैंपल स्पेस, तो b का सैंपल स्पेस दिख रहा है, तो b सैंपल स्पेस होगा, तो क्या देखना है, a का, देखो a का क्या देखना है, फेवरेबल रीजनल, क्या देखें, अगर इस तरह से लिखा होगा तो b को क्या मानना है, सैंपल स्पेस, और a का क्या देखना है, फेवरेबल रीजनल देखें, ए बी को सैंपल स्पेस माने और ए का फेवरेबल रीजनल देखें, सवाल बन जाएगा। एक एग्जाम्पल बस सिर्फ ले लेते हैं, इसके बाद यहाँ तक आज रखेंगे, है कि नहीं है। अब हम कल सवाल लेके आएंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे कि क्या होगा, तो बस एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ध्यान से समझो कि कहना क्या चाह रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है बस कि नहीं आ रहा है, बुझा रहा है, बताइए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि एक काम हो चुका है दूसरा होने का, बस कंडीशनल लगा देना, यही कंडीशन है कि नहीं है। अब ध्यान से समझो, अब एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो हम बोले वो क्या होगा, बन जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, एक डाइस को थ्रोन किए, एक डाइस को क्या किए, फेंक दिए इसे, समझ रहे हैं, तो सैंपल स्पेस कितना होगा, एक डाइस को फेंकेंगे तो या तो एक दिखेगा, या तो दो, या तो तीन, या तो चार, या तो पाँच, एगो लूडो में क्या को रहता जी, छः होगा, इन्हें के भोला बाबा सात है जी, अब लूडो में हइए ना सात कहाँ, हे भोला बाबा छः है जी, हइए ना लूडो में है, लेकिन जरूरी नहीं कि आएगा, है कि नहीं है, क्योंकि जितना एक आने का चांस है उतना ही, तो ये सब गलती कभी नहीं करिएगा, भोला बाबा विश्वकर्मा में कुछ नहीं होने वाला है, समझ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 एक इवेंट ले लेते हैं, इवन क्या ले लेते हैं, एक इवेंट, गेटिंग ऑफ, गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर, ये पहला इवेंट क्या ले लिए, पहला घटना क्या घटा, ऑड नंबर का, आइल वालू पटना तो घट भी करी घटना, गेटिंग एन ऑड नंबर। दूसरा क्या लेना है जी, गेटिंग अ प्राइम नंबर, क्या ले लिए जी, प्राइम नंबर, समझ रहे हैं, अभाज्य संख्या जो एक से कटे या फिर अपने, ठीक, तो एक गेटिंग नंबर हो गया और क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनो, क्या पूछ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 बटा ई2, इसका मतलब
ई ऑलरेडी हो चुका है ई टू, ई वन का प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रखा है, किसका पूछ रखा है, तो ई टू हो चुका है, तो हम क्या बोले थे, जो ई टू है उसको क्या मान लो, सैंपल स्पेस। तो बताइए प्राइम नंबर कितना होता है, 2, 3, 5 बोलो हाँ या ना, तो दिक्कत, तो मेरे पास ई टू क्या निकल गया, 2, 3, 5, क्योंकि क्या दिया हुआ, गेटिंग अ प्राइम नंबर, गेटिंग एन क्या है, ऑड नंबर, ऑड नंबर अगर यदि है तो ऑड नंबर क्या होता है बोलो भैया, 1, 3 और 5, सही बात है कि नहीं है, कोई दिक्कत। अब हमको एक चीज़ बताइए, हम आपसे पूछे क्या हैं, बोलो जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन बटा ई टू, इसका मतलब क्या हुआ, ई टू ऑलरेडी हो चुका है, अगर ई टू ऑलरेडी हो चुका था, हम क्या बोले थे, ई टू को क्या मान लो, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस ई टू का, सैंपल स्पेस ई टू के अंदर क्या गो है, 3 गो, तो 2, 3, 5 ई टू का क्या हो गया, सैंपल स्पेस। इसके बाद क्या देखना है, तो ई टू का सैंपल स्पेस इसका मतलब डिवाइडेड बाय क्या, 3, क्योंकि यहाँ क्या गो है, 3 है ना। इसके बाद ई वन देखना है, तो ई वन क्या है, ऑड नंबर, ऑड नंबर देखो इसमें क्या गो है, 2 गो, तो 2/3 निकल गया, बोलो समझ में आया कि नहीं है, समझ में आ रहा है। अगर हम आपसे यही पूछ दें कि पी ई टू बटा ई वन बताओ भैया क्या होगा, दिख रहा है नीचे भाई, अब अगर हम आपसे पूछें ई टू बटा ई वन क्या होगा, ध्यान से समझो, इसका मतलब ई वन ऑलरेडी हो चुका है, ई वन अगर यदि ऑलरेडी हो चुका है तो इसका मतलब क्या होगा, 1, 3 और 5, बोलो हाँ या ना। अब हम आपसे पूछ रहे हैं क्या, अच्छा छोड़ कट गया, कोई दिक्कत नहीं, ई वन का मतलब क्या हो गया, ई वन का मतलब हो गया, क्योंकि ई टू बटा ई वन मतलब ई वन को आप क्या मानना है, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस कितना, 1, 3 और 5, सही बात है, तो यहाँ डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि मेरे पास टोटल सैंपल स्पेस क्या हो गया, 3। अब प्राइम, अब ई टू में क्या देखना है, प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर क्या गया इसमें, 3 और 5, तो इसका भी कितना निकल गया, 2/3, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये तो क्लियर हो गया गुरुजी, किस तरीके से, ये बेसिक तरीका जो हमें बताएं, बट फार्मूला लगाएं क्या, नहीं, एक बार फार्मूला लगा सीख लें क्या, सीख लेते हैं कहानी क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। ये तो हो गया मेरा समझाने का अपना तरीका, कि थोड़ा फील से समझ लो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या था अंजलि भाभी के साथ, समझ रहे हैं। अब दूसरा ध्यान से समझो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, ध्यान से समझना, कि अब हम आपसे पूछते हैं कि ध्यान से सुनो, आपको अगर निकालना है ई वन ई टू तो क्या होगा, तो बोलोगे गुरुजी देखो ई वन ई टू है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू और डिवाइडेड बाय पी ई टू, बोलो हाँ या ना, फार्मूला क्लियर है क्या, है आप ध्यान से समझो, प्रोबेबिलिटी किसका निकालना, ई वन इंटरसेक्शन किसका, ई टू का, तो आपको पता है इंटरसेक्शन मतलब क्या, जो दोनों में दिखे, तो ई वन में क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो 3 और 5, यहाँ भी दिख रहा है 3 और 5, तो इसका मतलब ये दोनों में क्या है, फेवरेबल कितना निकल गया, 2, और टोटल आउटकम्स कितना है, 6, तो डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 6, बोलो हाँ या ना, और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, ई टू कितना है, 1, 2, 3, और टोटल आउटकम्स कितना है, सैंपल स्पेस 6, तो कितना हो गया, 2/6, तो 6 से 6 कट गया, कितना आ गया, 2/3, ये निकल गया किससे, फार्मूली से, यानी फार्मूला से बन गया, बोलो हाँ या ना, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आया, बोलो हाँ या ना, कि कोई दिक्कत। अब पूरा मार चैप्टर उठाइएगा आर एस अग्रवाल, चैप्टर कितना 29, सारा बनते चल जाएगा, ठीक है, और नहीं बनेगा फिर हम कल आते हैं इस पे सवाल लेके, बस दो भी थोड़ा कॉन्सेप्ट था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, वो क्या किया हम लोग सीख लिए, अब हम आगे मिलेंगे इससे सवाल लेके, ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं कि समझ में थोड़ा थोड़ा आ गया होगा, चलिए।